हाय बच्चों, स्वागत है आपका ई लर्निंग विथ राकेश चैनल पर। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम को आज देखेंगे। उससे पहले देखिए, कल कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे हमारे, जिसमें कि पहला कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में अगर फैक्टर निकालने बोलता है तो उसको देखिए, मान लीजिए कि कोई कंपोजिट नंबर है हमारा, जिसको फैक्टराइज फॉर्म में हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है हमारा कुछ फैक्टराइज फॉर्म में, मान लीजिए कि P1 की पावर लेमडा 1 इंटू P2 की पावर लेमडा 2 इंटू P3 की पावर लेमडा 3 इंटू डॉट डॉट, ऐसे कुछ करके। तो इसका फैक्टर्स जो हो जाएंगे हमारा कंपोजिट नंबर्स में, फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे लेमडा 1 प्लस 1 इंटू लेमडा 2 प्लस 1 इंटू लेमडा 3 प्लस 1, ऐसे ही। तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 18 ले लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जाम्पल हमारे पास है 18, इसको अगर प्राइम नंबर में अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कैसे इसको करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया हमारे पास इसका फैक्टराइज फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 2। तो यहाँ से मेरा क्या मिल रहा है, लेमडा 1 की वैल्यू है 1 और लेमडा 2 की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर आ गया कंपोजिट नंबर का, फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर, वो कितने फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू 1 + 1 इंटू 2 + 1 2 × 3 मीन्स 6 हमारे पास हो गए नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स हमारे पास आ गए 6। तो ऐसी एक और कंसेप्ट है, ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल देखते हैं 360, ये एक कंपोजिट नंबर है। इसको अगर प्राइम के फैक्टराइज अगर करेंगे प्राइम फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 4 × 8 तरीके 24 × 72 × 25 × 360। तो इसको देखिए, 2 to the power 3 × 3 to the power 2 × 5 to the power 1। तो यहाँ पे हमारे पे जो फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1, 4 × 3 × 2, 24। हमारे पास टोटल फैक्टर्स जो हो गए वो 24 हो गए। तो इतना फैक्टर्स होंगे इस कंपोजिट नंबर में, 24 कंपोजिट नंबर होंगे। देखिए, एक हमारे पास है स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स में, एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, नंबर्स का स्क्वायर
अगर मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। और वैसे ही देख लेंगे 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। इसमें अगर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे यूनिट प्लेसेस हैं, ये सब यूनिट प्लेसेस, इसमें अगर हम देखते हैं तो कहीं भी हमारे पास 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 और 8, ये हमारे पास यूनिट स्थान पे कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उस स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट जो होना चाहिए उसमें 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पे नहीं आता है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखेंगे क्वेश्चन में। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा कि किसी भी नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ए ऑप्शन इतना है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन हमारे पास ये है, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे पूछ दिया कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है परफेक्ट स्क्वायर का, उसमें ये था कि अगर किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट स्थान पर ये 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, 8 हमारे पास है, 3 है, 7 है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे भी पूछ दिया गया है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, कोई भी नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन ही है नंबर सिस्टम का ही। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स द फर्स्ट ऑफ विच इज एन इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। ए ऑप्शन है हमारे पास 12, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हम मान लेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो हमारे पास है, लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर आर एन एन प्लस 1 एंड एन प्लस 2 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो कि ऑलवेज डिविजिबल है, तो इसी से अगर हम देख लेंगे, और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर जो बोला गया है ये इवन होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास n है जो इवन है, तो इसमें इससे तो कंफर्म है कि इन तीनों में
एक ऐसा नंबर होगा जो थ्री से डिविजिबल होगा, जो थ्री से डिविजिबल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए मान लीजिए कि n की वैल्यू कोई हम इवन मानते हैं, 2 मान लेते हैं, 2 अगर 2 यहाँ पे मान लेते हैं, 2 इंटू 3 कॉन्जिगेटिव नंबर, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ से कितना आ गया 24। 24 तो देखिए हमारे पास जो 24 है, यहाँ पे पूछा है कि ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो ऑलवेज डिविजिबल हमारे 12 से तो हो ही सकता है, इसमें तो कंफर्म है कि एक नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है, और बोला गया है कि फर्स्ट हमारे पास इवन नंबर है, तो यहाँ से कंफर्म है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट होएगा तीनों नंबर का वो 12 से हमेशा और हमेशा डिविजिबल है होगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, डिविजिबल बाय 12। यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। तो अगर हम एन को अगर जीरो भी ले लेते हैं तो यहाँ से जीरो केवल आ जाएगा तीनों का प्रोडक्ट। तो अगर कुछ भी ले लें, अगर इससे ज़्यादा ले लें, इससे भी ज़्यादा अगर ले लें हम, देखिए 12 से भी हो जाएगा ये, और 24 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा डिविजिबल, और 8 से तो होएगा ये, देखिए 8 इससे भी होगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन जो हुआ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस जो कि डिविजिबल होगा 12 से भी, 24 से भी, 8 से भी। अगर n की जगह पर कुछ भी इवन नंबर ले लें, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, तो तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6, ये किस किस से डिविजिबल हो जाएगा, 12 से तो है ही जाएगा, 12 से 6 और 2 यहाँ से, देखिए ये भी हो गया 12 से, 24 से भी हो जाएगा 4 ये, और 8 से भी हो जाएगा 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 8 से भी हो जाएगा। तो ये ऑल ऑफ दिस जिसका हो जाएगा, जो भी हमारे पास ऑप्शन है इसमें। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिल करना है, और बोला गया है कि ये जो नंबर है ये 33 से डिविजिबल है। तो 33 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास क्या है कंडीशन, जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 11 से भी हो जाए। तो 3 से डिविजिबल होने का क्या कॉन्सेप्ट था कि नंबर में जो डिजिट हैं उनके एडिशन 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर होगा n कोई नंबर होगा, तो इसको डिविजिबल होने के लिए मान लीजिए 4 प्लस n प्लस 5 प्लस 6 ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और 11 से डिविजिबल होने का क्या कॉन्सेप्ट था, 11 से देखिए जो सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, ये हमारे पास 11 से डिविजिबल होने का कॉन्सेप्ट है। अगर इसका डिफरेंस हमारे पास जीरो हो जाए या 11 से डिविजिबल कोई भी नंबर हो जाए, ये 11 से डिविजिबल होने की कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ऑड प्लेसेस का सम कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस इवन में n प्लस 6, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो इसको अगर जीरो के बराबर करते हैं तो मान लीजिए 9 माइनस n माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो, तो n इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 3, तो n इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर जो निकल कर आ जाएंगे ये आ जाएंगे 3 5 6, तो 3 वाला भी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे n की स्थान पे अगर 3 पुट करते हैं तो देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 ये कितना आ रहा है हमारे पास 8 13 7 18
18 आ रहा है, तो 18 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हमारा जो जो नंबर जो निकल कर आएगा वो 3 आएगा, यही मेरा राइट ऑप्शन है। हमारे पास जो ऑप्शंस थे 3, 4, 5 और नन ऑफ दीज, तो हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा 3। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी लिस्ट नंबर विच बीइंग डिवाइडेड बाय 9, 12, 16 एंड 30, लिव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर 3। तो ये देखिए रिमाइंडर का जो मैंने केस फर्स्ट और केस सेकंड समझाया था, फर्स्ट और सेकंड, उसमें से केस सेकंड का ये क्वेश्चन है, तो उसका क्या फार्मूला था, देखिए केस सेकंड का जो फार्मूला था n-1 इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या है 9, 12, 16, 30, इसका एलसीएम प्लस के, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम 9, 12, 16 और 30 का एलसीएम। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 2, 9, 6, 8, 15, फिर देखिए 2, 9, 3, 4, 15, फिर 2, 9, 3, 2, 15, 2, 9, 3, 1, 15, फिर देखिए 3, 3, 1, 1, 5, फिर 3, 1, 1, 1, 5, फिर 5, 1, 1, 1, 1। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, 2 2 4 2 8 16 16 3 48 48 इंटू 15 48 15 18 15 15 18 15 16 72। देखिए 720 मेरा एलसीएम हो गया, देखिए तो n-1 इंटू 720 प्लस के, के की वैल्यू कितना है 3 है, 3। तो यहाँ से अगर लिस्ट पूछा गया है तो n की जगह पर 2 अगर पुट करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2-1 इंटू 720 प्लस 3, तो यहाँ से 720 प्लस 3 मीन्स 723। तो जो मेरा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 723। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज डिविजिबल बाय 48, 60 एंड 64। देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इसमें से देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम तो ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000, लेस देन 10,000 मीन्स जो हमारे पास 10,000 से जो छोटी नंबर होगी वो 4 डिजिट की होगी, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और जो कि डिविजिबल होने चाहिए 48, 60 और 64 से, तो इससे डिविजिबल होने की क्या कंडीशन है, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे और लार्जेस्ट के लिए लिख लेंगे एन इंटू एलसीएम ऑफ 48, 60 और 64। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 48, 60 और 64, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं हम 4, 30, 32, 6, 15, 8, 2, 3, 15, 4, 2, 3, 15, 2, 3, 15, 1, फिर 3, 1, 5, 1, फिर 5, 1, 1, 1।
तो देखिए यहाँ पे 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 64 गुणे 15 चौंसठ गुणे 15 1960 6 1990 6 96। देखिए हमारे पास जो 960 निकल कर आ रहा है इसका एलसीएम, तो एलसीएम जो हमारे पास इसका होगा वो 960 होगा। तो एन इंटू 960, तो देखिए ये मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है जो कि इतना होना चाहिए। तो 4 डिजिट अगर हम देखेंगे तो अगर इसको हम 10 एन की जगह पर अगर हम 10 पुट करते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा 9600। अगर एन की जगह पर हम 11 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये नंबर जो आ जाएगा 5 डिजिट में आ जाएगा और वो भी 10000 को क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए जो मेरा राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 11 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 14 लीव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस। तो ये कौन सा केस की बात कर रहा है, रिमाइंडर में जो हम केस फर्स्ट और सेकंड देखे थे उसमें केस नंबर सेकंड का ये बोल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एलसीएम ऑफ जो गिवन नंबर है 8, 9, 12, 14 प्लस के n माइनस 1 इंटू एलसीएम ऑफ इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 8, 9, 12 और 14 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 504। आप चेक कर लीजिएगा 504 प्लस के की वैल्यू है 4। तो यहाँ से जो अगर n की प्लेस पे अगर हम 1 पुट करते हैं सॉरी 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 504 प्लस 4 मीन्स 508। तो ये 508 जो है हमारे पास ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, नेक्स्ट n इक्वल्स टू अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 504 प्लस 4। तो यहाँ से निकल कर कितने आ गया निकल कर 1012। तो देख लेंगे कि ये हमारा 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, 1012 बाई 11। तो ये हमारा पूरा पूरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा 9, 99, 2, 11। देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ दियर एचसीएफ, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403, इफ वन नंबर इज 93 फाइंड द अदर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये नंबर 1 इंटू नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो हमारे पास जो गिवन है एलसीएम इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। तो अगर इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं और यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है, जो गिवन है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का जो एडिशन है, एलसीएम का जो एडिशन है वो 403 है। तो अगर यहाँ से अगर हम पुट करते हैं एलसीएम की वैल्यू 12 तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 13 एचसीएफ इक्वल्स टू 403। तो यहाँ से एचसीएफ की जो वैल्यू निकल कर आएगी 403 इंटू बाई 13, तो यहाँ से कितना हो गया 31। तो एचसीएफ की जो वैल्यू निकल कर आई वो 31 हो गई। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरा एलसीएम की भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 403 माइनस 31। तो यहाँ से कितना निकल कर आ गया, देखिए 273 निकल कर आ गया एलसीएम। तो
यहाँ से हम डायरेक्ट नंबर ऑफ फाइंड आउट कर लेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू होता है नंबर वन इंटू नंबर टू। तो पहला नंबर मुझे गिवन है, नंबर वन इज 93, तो यहाँ से देखिए HCF इक्वल्स टू कितना है, HCF इक्वल्स टू 31 इंटू LCM इक्वल्स टू 372 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 93 इंटू N2 पूछा है मेरे से, तो यहाँ से जो निकल कर आ गया N2 की वैल्यू वो कितनी निकल कर आ गई, 3, और यहाँ से 1, 2, 4 देखिए 124 जो हमारे पास जो दूसरा नंबर निकल कर आया वो 124 निकल कर आया, तो 124 ही मेरा राइट ऑप्शन होगा। देखिए ये वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, जो कि HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, थैंक यू।